राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखकर आगरा DM नवनीत चहल ने बहावटेश्वर में यमुना नदी का निरीक्षण किया व सभी तटवर्ती इलाकों को अलर्ट करने के लिए कहा। सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। तटीय ग्रामीणों से अपील की कि वो नदी किनारे न जाएं। अधीनस्थों को बाढ़ से संबंधित निर्देश दिए। इस दौरान DCP, CMO व SDM कृष्णानंद तिवारी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बटेश्वर से बबलू यादव की रिपोर्ट। सर, यमुना नदी में बाढ़ की संभावना है, इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, यमुना नदी में जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके दृष्टिगत विभिन्न जो हमारे ज़िले के ऐसे समीपवर्ती गांव हैं या क्षेत्र हैं जहां से यमुना नदी होकर गुजरती है, उनका भ्रमण किया जा रहा है हमारे द्वारा, DCP साहब के द्वारा, CMO साहब हैं, ADM विपिन राजस्व हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, हमारे पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, और सभी जो हमारी 47 बाढ़ चौकियाँ हैं पूरे ज़िले में, उनको अलर्ट कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया है। जो तटीय गांव हैं वहाँ पर सभी जगह पर राहत चौपालें लगाई जा रही हैं, वहाँ पर जो सभी हमारे ग्रामवासी हैं उनको सजग किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, और जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी करने के लिए प्रशासन लगा हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये विजिट यहाँ पर बटेश्वर में भी, अन्य गांवों में भी जिले की की जा रही है, और सभी जो प्रशासनिक तंत्र है, स्वास्थ्य विभाग का महकमा है या पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, सभी अलर्ट, सभी सजग। थैंक यू। इस समय यमुना नदी में बाढ़ है, इसको दर्ज कर सकते हुए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ हैं? कि हम लोग ने बाढ़ चौकी अपनी निर्धारित स्थान पर टूटी लगा दी गई है, साथ में अलर्ट ग्रुप में जो हमारी SWC है उनको भी हम लोग ने एक ग्रुप बना लिया है, जो कि हम लोग पर डे उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन आज जैसे अलर्ट आया है कि विदिन 24 आवर या 24 घंटे इसका यमुना का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसको देखते हुए हम लोग यहाँ इंचार्जेस साथ हैं हमारे, फतेहाबाद, जयपुर, काला और विशेष तौर से इन ब्लॉक के इंचार्जेस को बता दिया गया है, और अभी नाइट पैनलिंग ये लोग विजिलेंस बनाए रखेंगे, और जैसी आवश्यकता पड़ेगी तत्काल टीमें ब्लॉक से मूव करेंगी, ज़्यादा स्थिति होने पर, आवश्यकता होने पर हमारे जनपद स्तर पर भी RRK की टीम है इस समय, वो तत्काल मूव करेंगी। प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जो भी जनमानस प्रभावित होता है बाढ़ से उसमें किसी विवाह का रोग ना हो, उससे और जो दवाओं के लिए जो आवश्यकता से हो रहा है, ORS या कोलिन की टैबलेट है उनको उससे पूर्व ही मुहैया करा दें, इसलिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, आशाओं के माध्यम से हम तत्काल उसकी अपनी। अच्छा, दवा बाढ़ से पहले ही दवाओं का वितरण कराने का कार्य? हाँ बिल्कुल, पहले जो हमारा जो आवश्यक ORS और जो क्लोरीन टैबलेट है उसकी उपलब्धता हर जगह हो, जिससे उनको पानी की होने वाली दिक्कतें ना हो, और अगर होती हैं तो ORS से उनको इतना निर्जलीकरण ना हो जिससे उनकी कोई जान, जब तक उनको चिकित्सा सहायता मिले तब तक वो लोग अपनी सहायता खुद कर पाए, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास है, उन लोगों को बता भी रहे। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.